दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति के साथ ही समय समय पर कई जीवों ने अपने बुद्धि और बल के दम पर पृथ्वी पर अपना दबदबा बनाया, लेकिन बदलते वातावरण के साथ वो कहीं विलुप्त हो गए, क्योंकि वे खुद को बदलते वातावरण के साथ विकसित करने में असफल रहे। लेकिन कई ऐसे जीव हैं जो कि खुद को कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित किया, और उन्हीं जीवों में चींटियां भी शामिल हैं। चींटियां डायनासोर के जमाने से लेकर आज तक खुद को बचाने में सक्षम रही, जिसके लिए इसने समय समय पर कई सारे प्रणालियों को विकसित किया, जिसमें रहने के लिए कॉलोनी बनाना, खेती करना, पशुपालन करने से लेकर भोजन को संग्रह करने जैसे प्रणालियों का विकास शामिल है, जिसके बारे में हमने कई वीडियो में जाना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चींटियों के फूड प्रिजर्वर यानी कि हनीपॉट एंट्स के बारे में जानेंगे। हनीपॉट एंट्स को फूड स्टोरेज वर्कर एंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक चलती फिरती फूड टैंक है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे देशों के सूखे क्षेत्र यानी कि डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह चींटियां अपने लिए फूलों के नेक्टर को जमा करती है, जो कि मधुमक्खी द्वारा जमा किए गए नेक्टर के समान ही होता है, और यह खाने में भी हनी के समान ही लगता है। यह चींटी दुनिया भर में अपने विभिन्न स्थान और जीन्स के अनुसार अलग अलग साइज के होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मायर मेको सिस्टस जेनेरा से संबंध रखने वाले इस एंट के कॉलोनी में से 20% एंट्स ही हनीपॉट्स एंट्स बनते हैं, जिसे रिप्लेट्स कहा जाता है। बाकी के सभी एंट्स कॉलोनी के विभिन्न मेंबर जैसे कि वर्कर एंट्स और ड्रोन्स होते हैं। दोस्तों, एंट्स के बारे में अगर डिटेल में जाननी है तो आप लाइफ साइकिल ऑफ एंट्स वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं, और यदि आपको खेती करने वाली चींटियों के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएंगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हनीपॉट एंट्स कॉलोनी की वर्कर एंट्स ही होती है, और यह एक फीमेल होती है, लेकिन यह साइज में वर्कर एंट्स से बड़ी होती है, और इसके एब्डोमेन यानी कि पेट में फूलने और सिकुड़ने की एबिलिटी होती है, जिस कारण से यह अपने पेट में नेक्टर को स्टोर कर सकती है, जिसे बाद में कॉलोनी के विभिन्न चींटियों को खिलाया जाता है। दोस्तों, रिप्लेट्स यानी कि हनीपॉट एंट्स द्वारा नेक्टर को स्टोर करने की प्रक्रिया की शुरुआत रेनी सीजन में शुरू होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में रेगिस्तानी इलाके भी हरे भरे हो जाते हैं और पेड़ों पर फूलों की कोई कमी नहीं होती है, जिसका फायदा हनीपॉट्स एंट्स उठाती है। वह इन फूलों के मीठे नेक्टर को अपने बॉडी में स्टोर कर लेती है, लेकिन यह काम हनीपॉट एंट्स अकेले नहीं करती, क्योंकि यदि हनीपॉट एंट्स अगर खुद नेक्टर स्टोर करने निकलती है तो वह नेक्टर तो स्टोर कर लेगी, परंतु नेक्टर स्टोर करने के बाद इसके शरीर फैल जाएंगे और वजन काफी बढ़ जाएगा, और यह चलने फिरने में असमर्थ हो जाएगी, जिस कारण से यह पुनः अपने कॉलोनी में नहीं लौट पाएगी और यह दूसरे जीवों के शिकार बन जाएगी। दोस्तों, यही कारण है कि हनीपॉट्स एंट खुद नेक्टर को कलेक्ट नहीं करती है, बल्कि यह कॉलोनी के सुरक्षित स्थान पर कॉलोनी के छत से लटकी रहती है, जबकि वर्कर एंट्स बाहर जाकर नेक्टर को कलेक्ट करती है, फिर वापस कॉलोनी में आकर हनीपॉट्स एंट के मुंह में नेक्टर को डालती है, जिसे हनीपॉट एंट्स अपने पेट में स्टोर करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेक्टर को बूंद बूंद करके एक हनीपॉट एंट्स के पेट में स्टोर किया जाता है, जिसमें कई सारे वर्कर एंट्स लगे रहते हैं, और नेक्टर को स्टोर करने का यह काम काफी लंबा होता है। यह एंट्स पूरे रेनी सीजन पेड़ों से नेक्टर कलेक्ट कर हनीपॉट एंट्स में स्टोर करती है। आपको बता दें कि हनीपॉट एंट्स में नेक्टर को स्टोर करने के बाद इन चींटियों का शरीर एक अंगूर या पॉट के समान दिखाई देने लगता है। दोस्तों, इस स्टोर किए गए नेक्टर का इस्तेमाल यह रेगिस्तानी इलाकों में पड़ने वाले भयानक सूखे के दौरान करती है। सूखा मौसम पड़ने पर जब कॉलोनी के आसपास के इलाकों में खाने की कमी हो जाती है, तब हनीपॉट एंट्स इस स्टोर किए गए नेक्टर को अपने मुंह को खोलकर कॉलोनी के दूसरे चींटियों को बूंद बूंद करके खिलाती है। दोस्तों, नेक्टर को खिलाने की यह प्रक्रिया माउथ टू माउथ ही होती है, और शरीर में नेक्टर की कमी होने के साथ ही हनीपॉट एंट्स धीरे धीरे एक सामान्य चींटी की तरह दिखाई देती है। चींटियां आखिर अपने शरीर में ही नेक्टर को क्यों स्टोर करती है? इसका एक सिंपल सा कारण यह है कि बॉडी में स्टोर करने से यह नेक्टर फंगी के अटैक और ज्यादा गर्मी पड़ने के बावजूद भी बचे रहते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हनीपॉट एंट्स को कॉलोनी के लगभग 4 से 6 फीट की गहराई में रखा जाता है, ताकि शरीर में स्टोर नेक्टर ठंडा रह सके और दूसरे जीवों से इसे बचाया जा सके।
दोस्तों आपको बता दें कि हनीपॉट एंट्स को इंसानों द्वारा भी बड़े चाव से खाया जाता है, क्योंकि यह नेचुरल हनी का एक अच्छा स्रोत होता है। हनीपॉट एंट्स अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 2 साल या उससे अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।